तो गुड आफ्टरनून भाई लोग, हम आ चुके हैं और एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो है कि मेरा एक फेसबुक फ्रेंड कह सकते हो नहीं फेसबुक का फ्रेंड ही था, सौरभ दास नाम करके। तो भैया से मेरा बात हुआ था, ऐसे ही बात होने के बाद हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं अभी। तो आप लोग सोचोगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमको लेके क्या फ़ायदा है, ये लोग दोस्त बन गया तो हम क्या करें। तो आप लोग कुछ मत करिए, ऐसे ही मिलने के लिए जा रहे हैं भाई से, और कुछ हम लोग का कुछ प्लान है जो कि अगर होता है सक्सेसफुल तो आप लोग को दिखाएंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो आता है मतलब समझ लीजिएगा इस वीडियो में कुछ है, और मतलब जो बाइक लवर है उन लोग के लिए ये वीडियो है। एक बाइक हम देखने के लिए नहीं, मैं चलाया नहीं हूँ बाइक को, मतलब एक बाइक है उसके बारे में थोड़ा चला के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एक्सपीरियंस उसका। तो उसके लिए जा रहे भैया के पास। उससे भी बड़ा जो रीज़न है भाई से मिलना है हमें, बहुत अच्छा मतलब नेचर का बहुत अच्छा है भैया, तो भाई से मिलेंगे अभी। तो वीडियो में बने रहिए, आप लोग को दिखाते हैं, अगर जिस काम के लिए जा रहे हैं उसके साथ वो अगर होता है तो दिखाएंगे आप लोग को। अभी यहाँ से लेना पड़ेगा राइट। और यार एक चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ कि वीडियो बहुत लोग देखते हैं लेकिन वीडियो लाइक, मतलब लाइक तो ठीक है, लाइक की बात मैं छोड़ दिया, लाइक भी कर देना और साथ सब्सक्राइब भी कर देना। यार सब्सक्राइब नहीं करते हो तुम लोग, मैंने उस दिन चेक किया सब्सक्राइब बहुत कम है मेरा, तो यार सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे होगा क्या, मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के पास तुरंत ही नोटिफिकेशन चला जाएगा। और बाकी ठीक है, अभी रास्ते को एंजॉय कीजिए, अभी इंडस्ट्रियल पार्क की तरफ जाएंगे, तो उधर जाने के बाद आप लोगों से फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए अभी के लिए बाय, मतलब वीडियो में बाय नहीं है लेकिन बाय। तो चलिए जी, जो बोले थे वीडियो बनाने के लिए, तो भाई लोगों के साथ मीट हो गया, और अभी उनका एक भाई का बाइक मिल गया था मुझे, ड्यूक 390। तो पहली बार चलाया मैं ये बाइक, और जैसा लगा इनिशियल में बहुत ही फास्ट है बाइक, और बहुत ही भाग रही, मतलब अभी फोर्थ ईयर में 54 चला गया। और मैं एक चीज़ देखा भाई लोग, अगर वीडियो देख रहे हो तो माफ़ करना, क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ यार, तुम लोग का हर एक का बाइक का क्या पेट्रोल जीरो में रहता है, मतलब उस वे में मत लेना ठीक है, ऐसा फ्रेंड की तरह ही बोला। तो शायद से आप लोग देखोगे वीडियो तो इसलिए बोला। तो 390 पहली बार चला रहा हूँ मैं, पहले नहीं चलाया 390, और थोड़ा सा भगाता हूँ। ओ भाई साहब क्या पावर है भाई, भाई पावर बहुत है, लेकिन ब्रेक ठीक कर लो भाई, तुम हीरो भाई तुम्हारा नाम है भाई, ब्रेक ठीक कर लो तुम पहले। बाइक एकदम जहर है जो मैंने पहली बार चलाया, हाँ सब थ्रॉटल रिस्पॉन्स क्या है इसका, मतलब छोटा रॉकेट कह सकते हो इसको, इतना भागता है। छोटा रॉकेट ही कह सकते हो इसको, लेकिन भाई शायद से तुम्हें सर्विसिंग करना चाहिए बाइक पे। ओ भाई साहब ब्रो, बाइक यार पहले पता चलता तो 390 लेते यार, और स्पीड के बारे में तो देख लिए, और अभी देखते हैं बॉडी बैलेंस कैसा है बाइक का। भाई माफ़ करना अगर कुछ ख़राब चला रहा हूँ तो, पहली बार चला है, एक्साइटमेंट भी कह सकते हो इसको। फोर्थ गियर में भाई क्या खींचती है भाई, रॉकेट कह सकते हो यार इसको, बॉडी बैलेंस
बॉडी बैलेंस ठीक ठाक है, मैं वर्जन 3 चलाता हूँ तो मुझे उतना खराब तो नहीं, खराब मतलब ओनर को ही पता चलेगा, मतलब वो भाई को ही पता चलेगा कैसा भागता है बाइक। लेकिन बाइक एक नंबर है, जहर वाला बाइक है। जो जो 390 लवर हो, मुझे अब पता चल रहा है 390 क्या चीज़ है। 390 मतलब भाई देखोगे तुमको एक बार दिखाते हैं, ऐसा ही है देखो। ऐसे खींच के लेके जा रहा है भाई साहब, लाजवाब भाई। तुम्हारा बाइक एक नंबर है, तुम्हारा क्या 390 एक नंबर है। मैं सामने का ब्रेक नहीं यूज़ कर रहा हूँ भाई का, क्योंकि ब्रेक में शायद से कोई दिक्कत है भाई का, तो मैं यूज़ तो नहीं करूँगा सामने का ब्रेक। मैं इसका मतलब क्या बोलते हैं, उसका डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हर किसी को पता है और इतना सब फंक्शन है, मुझे खुद नहीं पता क्या क्या फंक्शन है। मतलब फोर्थ में इतना भाग रहा है तो मतलब सिक्स में क्या होगा वो तो भाई को ही पता होगा। और मैंने ग्लास छोड़ के आ गया उधर, भाई लोग फोटोशूट कर रहे थे, तो भाई ड्यूक लवर मुझे पता चल गया क्या है ड्यूक, ड्यूक चीज़ क्या है वो मुझे पता चल गया। रॉन्ग साइड ले लिया क्या, इस साइड तो नहीं था वो। से मैं रॉन्ग टर्न ले लिया और भाई 390 जिसको लेना है 390 ले सकते हो भाई। मैं तो चुप बैठा हूँ अभी, V3 चलाने में मेरा क्या दिक्कत होगा वो मुझे पता चल गया अभी से ही। क्या भाई क्या भाई साला क्या खाके बनाए हो बे KTM। आज से मैं गलत जगह ले लिया, अरे यार जाएगा क्या इसमें। भाई तुमको हीरू भाई तुमको पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ अगर कुछ गलत चला रहा हूँ मैं तो। और पावर के बारे में भाई मुझे अब V3 नहीं चलानी है, मैं यही बोल सकता हूँ V3 नहीं चाहिए मुझे। क्या भागती है यार, अरे हीरू भाई अभी तुम्हारा पेट्रोल ब्लिंक कर रहा था अभी ठीक हो गया, क्या दिक्कत क्या है बाइक पे। तो मुझे KTM का जो मतलब सीटिंग पोस्चर V3 चलाने के बाद मुझे जो लग रहा है इसका सीटिंग पोस्चर वो बहुत ही मतलब एग्रेसिव तो नहीं कहूँगा मैं इसको, बहुत ही फास्ट है भाई। भाई मुझे नहीं चलानी V3 नहीं चाहिए मुझे। हीरू भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो कृपया आके मेरे से V3 लेके जाना, तुम्हारा ड्यूक मुझे दे के जाना और कितना प्राइस लोगे वो बता के जाना, ठीक है। भाई क्या बोले इसको, मतलब तुम दिल से समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। हाँ वो रॉकेट ही है ये, लेकिन थोड़ा कुछ इस बाइक पे मुझे पर्सनली खराब लगा भाई वो की है, तुम सर्विसिंग कर लो जल्दी बाइक में। सर्विसिंग बाइक का शायद से नहीं हो रहा या कुछ अंजर पंजर ढीला लग रहा है मेरे को इसका, तो वही ठीक कर लो तुम बाइक। और वीडियो देख के गाली मत दो बस कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सस्ता नशा करके भोंक रहा हूँ साला। तो वीडियो देख के ये मत बोलो कि हम गलत चला रहे हैं या कुछ, भाई साहब हैंडलिंग ओपी कहते हैं जिसको, ओपी एक नंबर वाला, देखो क्या हैंडलिंग है यार। और सौरभ भाई मेरा बाइक लेते हुए आ रहा है सामने से,
ओपी कहते हैं जिसको, वो यही है। तो ठीक है भाई, यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और क्या, बाकी बढ़िया है सब कुछ। चलिए, MSK भाई का डायलॉग हो गया ये। तो ठीक है, मिलते हैं और किसी दिन और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।